वी और एकता कपूर का फहमान खान का ये बड़ा शो ही नहीं, कलर्स टीवी के ये तीन बड़े शो होने वाले हैं ऑफ एयर, या ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस शो की, या फिर ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इन बड़े शोज़ की भी बंटाधार होना निश्चित है। तो फिर चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से बड़े शो हैं जिनको लॉन्च हुए चंद दिन भी नहीं हुए और ऑफ एयर की बात सामने आ रही है। तो फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। दोस्तों, इस बार की डायरेक्ट टीआरपी रेटिंग आने के बाद कई सारे शोज़ का बंटाधार होना निश्चित लग रहा है। दरअसल आपको बता दूं, कलर्स टीवी यूं भी वो चैनल बन चुका है जहां पे शोज़ काफ़ी लंबे समय से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। वैसे तो इन दिनों कलर्स टीवी पे शोज़ की भरमार है, चाहे वो शालिन भानोट का शो हो, अंकित गुप्ता का हो, फहमान खान का हो, मुल्क की जैसे विधि यादव जैसे यंग एक्टर्स का हो, लेकिन फाइनली कलर्स टीवी पर ये सारे शो फ्लॉप साबित हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि धर्मपत्नी के साथ और कौन है वो तीन बड़े शो जो आने वाले दिनों में ऑफ एयर हो जाएंगे। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है एकता कपूर का मुल्क की सीजन 2। इस बार सबसे ज्यादा फ्लॉप और डिजास्टर साबित हुआ है विधि यादव, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के कैरेक्टर में इस शो में एंट्री मारी थी। उनके कैरेक्टर को बिल्कुल उनके करियर को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है इस शो ने। 0.6 की टीआरपी के बाद अब आप कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हो इस शो को, और थोड़ा एक्सटेंशन देना चाहिए। फिलहाल ये शो जिस तरीके से जा रहा है, इसी वीक इस शो को ऑफ एयर कर दिया जाएगा। दूसरा ये है कलर्स टीवी का बड़ा शो, ये है तेरे इश्क में घायल, जो कि एक बड़े स्टार कास्ट, बड़े बिग बजट के साथ, एक बड़े बैनर के साथ लॉन्च किया गया, लिहाजा इस शो में बड़े बड़े स्टार कास्ट भी काम नहीं आ रही है। तेरे इश्क में घायल ने इस बैरिक की टीआरपी में सबको शॉक करके रख दिया है। और मैं आपको बता दूं, यूं भी तेरे इश्क में घायल 53 एपिसोड के बाद मेकर्स ने मन बनाया है शो को ऑफ एयर करने का, यानी कि ये शो जून जुलाई में ऑफ एयर हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम आगे नेक्स्ट शो की बात करें तो वो है धर्म पत्नी शो कलर्स टीवी का। यूं तो कलर्स टीवी का धर्म पत्नी शो काफी पॉपुलर हुआ और उसके पॉपुलरिटी की वजह बने थे फहमान खान। दरअसल फहमान खान की पॉपुलरिटी और सुंबुल तौकीर खान की पॉपुलरिटी जो थी वो कहीं ना कहीं इस शो को अट्रैक्ट तो जरूर की है, लेकिन हाँ, फहमान का जादू इस शो में काम नहीं आया। कुछ बड़ी वजह है जिसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो आप हमारे एंड स्क्रीन को भी चेक कर सकते हो। तो फहमान खान का शो इन दिनों लगातार बुरे दौर से गुजर रहा है, तो आने वाले दिनों में आप शॉक मत हो जाना अगर धर्म पत्नी शो हमेशा हमेशा के लिए ऑफ एयर कर दिया जाए। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इस लिस्ट में बिग बॉस के सीजन 16 के फेवरेट कंटेस्टेंट, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंटेस्टेंट अंकित गुप्ता का भी शो शामिल है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ कलर्स टीवी के हाल ही लॉन्च हुआ जुनूनियत, जो कि लगातार अपने बैड फेज से गुजर रहा है। लॉन्च होने के बाद से ही सरगुन मेहता और रवि दुबे का ये शो टीआरपी बैरिक रेटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, जिसके बाद कुछ मेकर्स और चैनल बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। आने वाले दिनों में अगर ये शो इसी तरह से परफॉर्म करता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब अंकित गुप्ता के शो को हमेशा हमेशा के लिए ऑफ एयर कर दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए ये हैं कलर्स टीवी के वो बड़े शो जो आने वाले दिनों में फैंस का साथ छोड़ने वाले हैं। फिलहाल आप किस शो को बचाना चाहोगे, लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब